हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सोर इंडिया एकेडमी। तो आज आपके लिए हम दोबारा से शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस लेके आए हैं को करिकुलर सब्जेक्ट के, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट साइंस इज, जो न्यूट्रिशन पोषण और डाइट साइंस का जो उद्देश्य है वो क्या होता है, टू प्रोवाइड हेल्थ एंड एफिशिएंसी, ठीक है। दूसरा है, माल न्यूट्रिशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, माल न्यूट्रिशन क्यों हो जाता है, माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण, कुपोषण क्यों हो जाता है, पावर्टी मिलावट अज्ञानता, पावर्टी यानी कि गरीबी, गरीबी अज्ञानता और मिलावट से। थर्ड क्वेश्चन है, कुपोषण को सही किया जा सकता है, कुपोषण को किससे सही किया जा सकता है, संतुलित आहार, अगर हम संतुलित आहार लेते हैं तो हम कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन को सही कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से साफ देखने में असुविधा होती है, ठीक है। ये तो सभी जानते होंगे कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है जो कि आंखों की समस्या है, तो विटामिन ए वो आंखों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, इसकी कमी से साफ देखने में असुविधा होती है। क्वेश्चन अगला है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो आंसर इज बेरी बेरी, विटामिन बी की कमी से हो जाता है बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन डी की कमी से हो जाता है रिकेट्स, रिकेट्स, रिकेट्स हो जाता है, और ऑस्टोमलेशिया हो जाता है, ऑस्टोमलेशिया। रिकेट्स रोग बच्चों में होता है, रिकेट्स रोग बच्चों में होता है जो कि विटामिन डी की कमी से होता है, और ऑस्टोमलेशिया जो डिजीज है, ऑस्टोमलेशिया रोग जो है वयस्कों में होता है, और ये भी जो है विटामिन डी की कमी से होता है, मतलब रिकेट्स और ऑस्टोमलेशिया दोनों विटामिन डी की कमी से होते हैं। विटामिन ई एंड के प्रजनन के लिए आवश्यक है, विटामिन ई एंड के जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनरल साल्ट कंट्रोल करता है किसको, शरीर के केमिकल रिएक्शन को, मिनरल साल्ट किसको कंट्रोल करता है, शरीर के केमिकल रिएक्शन को। 12 है, कैल्शियम एंड फास्फोरस डेफिशिएंसी अफेक्ट बोन्स एंड टीथ, अगर कैल्शियम और फास्फोरस की डेफिशिएंसी यानी कि कमी से क्या हो जाता है, बोन्स और टीथ में, दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है। 13 क्वेश्चन है, आयरन की कमी रक्त में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, आयरन की कमी से क्या होता है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाता है। 14 है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा यानी कि ग्वाइटर रोग हो जाता है। 15 है, डाइट मीन्स क्या होता है, द रूल्स ऑफ डाइटरी कंट्रोल, द रूल्स ऑफ डाइटरी कंट्रोल, कोई भी भोजन है उसे हमें किस तरीके से संतुलित मात्रा में लेना चाहिए, यही डाइट का मतलब होता है, मीन होता है। रेमेडियल न्यूट्रिशन इज कॉल्ड डाइट कंटेनिंग विटामिन एंड कैलोरीज, एक ऐसा आहार जिसमें विटामिन और कैलोरी होता है उसको क्या बोलते हैं, रेमेडियल न्यूट्रिशन। याद रखिएगा, रेमेडियल न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, ऐसा आहार जो कि विटामिन और कैलोरी से भरपूर होता है उसको हम रेमेडियल न्यूट्रिशन कहते हैं। नेक्स्ट इज, द नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय बॉडी इज 6, हमारी बॉडी को कितने न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है या कितने पोषक तत्व होते हैं, तो वो होते हैं 6 न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व, तो हमारी बॉडी को 6 न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। प्रोटीन, और ये है कौन कौन से, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स फैट एक्सेट्रा आर द न्यूट्रिशियस एलिमेंट, मतलब
जो भी ये, इनको हम न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं और ये जो है वो न्यूट्रिशियस एलिमेंट होते हैं। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप न्यूट्रिएंट एलिमेंट में अगर ये आते हैं तो आप इन पे टिक करोगे। 19 इज माल न्यूट्रिशन इज कॉज्ड बाई, माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण होने का क्या कारण है, मतलब प्रोटीन एंड कैलोरी डेफिशिएंसी। अगर किसी को प्रोटीन कैलोरी की डेफिशिएंसी है तो उसको माल न्यूट्रिशन होता है। प्रोटीन एंड कैलोरी डेफिशिएंसी, जो माल न्यूट्रिशन होता है वो प्रोटीन और कैलोरी की कमी से होता है। न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है, न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है, गुड न्यूट्रिशन, गुड न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प होगी आपके एग्जाम में। तो आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए और